हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रीकैप करने वाली हूँ तुलसा किंग के सीजन 2 के एपिसोड 2 को। तो जैसे कि आपने एपिसोड 1 देखा ही होगा, तो बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, लेकिन एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ, साथ ही एक रिक्वेस्ट भी, वीडियो का लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। वेल गाइज, बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ, क्योंकि जैसे कि एपिसोड 1 में हमने देखा कि ड्वाइट के साथ काफी कुछ अजीब अजीब चीजें चल रही है, लेकिन उसके पीछे पड़ा हुआ है कान नाम का एक शख्स, जो अपनी बातों को लेकर काफी सीरियस है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ड्वाइट अपने कामों को कंटिन्यू करे, जैसे शायद उन्हें नुकसान हो सकता है। जो उसकी बात ठीक भी है, लेकिन गलत भी, क्योंकि हमें पता है कि ड्वाइट काफी काइंड पर्सन है, क्योंकि उसे लोगों के साथ काम तो करना है पर उनका हक देते हुए, और शायद आगे चलकर काल ये रियलाइज कर पाए। पर फिलहाल के लिए हम देख पाते हैं कि काल एक अटॉर्नी से मिलता है और उसे ड्वाइट के इंटेंशन के बारे में बताता है कि कैसे उसके काम और उसके एक्शंस उनके बिजनेस पर नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिसके लिए काल ने एक एक्सट्रीम स्टेप लेने का डिसीजन बनाया है ताकि वो ड्वाइट को रोक सके, वो भी उसके शुरू होने से पहले ही। और साथ बैठे अटॉर्नी काल को ये समझाने की कोशिश करता है कि ड्वाइट तो काफी छोटा डीलर है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं, लेकिन हम देख पाते हैं कि शायद काल एक इनसिक्योर पर्सन है, जो अपने बिजनेस पर जरा भी आंच नहीं आने देना चाहता है, और शायद ये पैतरा उसे काफी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि इस वजह से वो शायद ड्वाइट को अपना लाइफ लॉन्ग एनिमी बना सकता है। और जैसे ही ड्वाइट कोर्ट पहुंचता है, तो हम देख पाते हैं कि अटॉर्नी वहां पहुंच चुका है, जिसने इस केस को अपने हाथ में लेने का डिसीजन बनाया है। वही बात करे ड्वाइट की, तो वो अपना केस खुद लड़ना चाहता है, क्योंकि उसने जेल में रहकर काफी कुछ कोर्ट की चीजें सीख ली है, जिस वजह से ही वो अपना केस खुद लड़ेगा। लेकिन जज इस बात से हैरान है कि इतने बड़े अटॉर्नी ने ड्वाइट के इस केस में शामिल होने का क्यों चुना, जिसके जवाब में वो अटॉर्नी सिर्फ यही कहता है कि उसे सच्चाई का साथ देना है। और उस मोमेंट पर ड्वाइट को जरा भी भनक नहीं कि उस अटॉर्नी को और किसी ने नहीं बल्कि काल ने भेजा है। साथ ही इस एपिसोड में हम ये भी देख पाते हैं कि ड्वाइट की सिस्टर तुलसा पहुंच चुकी है, ताकि वो क्रिस्टीना की हेल्प कर सके उसे यहाँ सेटल होने में। और जॉना इस बारे में ड्वाइट से बात करती है और बताती है कि क्रिस्टीना उसे लेकर कितनी चिंतित है, तो उसे इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना है कि वो इस बार भी अपनी बेटी को अकेला ना छोड़े, जिसके लिए उसे उस अटॉर्नी से बात करनी चाहिए। जिस बात से ड्वाइट अग्री करता है और वहाँ से सीधा उस अटॉर्नी से बात करने के लिए पहुँचता है, उसे ये कहते हुए कि वो कम्युनिटी सर्विस करने को तैयार है और साथ ही एक काफी बड़ा फाइन भरने को भी, पर वो कतई ही जेल जाना नहीं चाहता। लेकिन हम देख पाते हैं कि अटॉर्नी इस बात पे अटल है कि जब तक वो ड्वाइट को कुछ प्रिजन की यानी कि सलाखों की हवा ना खिला दे, तब तक वो चुप बैठने वाला नहीं। जिस दौरान ही ड्वाइट की नजर अटॉर्नी के डेस्क पर रखे हुए कुछ पेपर पर पड़ती है, जिससे उसे समझ जाता है कि अटॉर्नी और काल के बीच एक कॉल को शेड्यूल किया गया था, जिससे ड्वाइट को ये समझ आ जाता है कि अटॉर्नी से बात करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो यहाँ सिर्फ अपनी एनर्जी वेस्ट करने वाला है, जिस कारण वो वहाँ से चला जाता है। और ये देखना काफी रोमांचक होगा कि किस तरह ड्वाइट इन सारी सिचुएशन को टैकल करेगा, वो भी आने वाले एपिसोड्स में। अब वही बात करें अरमान की, तो हम देख पाते हैं कि उसकी और टाइसन की बातचीत हो रही है, जहां टाइसन उसे एक आइडिया देता है कि कार के स्पेयर पार्ट्स, जिसे कैथलिस कंडक्टर कहा जाता है, उससे उनको काफी मुनाफा हो सकता है, क्योंकि उसे बनाया प्लेटिनम से जाता है, जिस कारण वो लोग कुछ और लोगों को इस प्लान में इंक्लूड करते हैं और एक कार शॉप ओनर की शॉप में जाकर सभी कार के कंडक्टर को चुरा लेते हैं। और दूसरे दिन हम देख पाते हैं कि जैसे ही उस कार डीलर, जिसका नाम डोनी है, उसके पास कस्टमर पहुंचता है, तो उस कारण उसे रियलाइज होता है कि रात के वक्त उसके कंडक्टर्स चुरा लिए गए हैं, जिस वजह से वो ड्वाइट के पास इस इशू को लेकर पहुंचता है। और डोनी वही शख्स है जिसने ड्वाइट के उस प्रोटेक्शन ऑफर को ठुकरा दिया था। और हम देख पाते हैं कि ड्वाइट बड़े ही सरकास्टिक मैनर में उसे कहता है कि उसे सिक्योरिटी लेनी होगी, साथ ही उसका जो लॉस हुआ है उसके लिए ड्वाइट माफी चाहता है, पर साथ ही वो उसे कंडक्टर्स वापस करने का भी आशीर्वाद देता है, लेकिन पूरे नहीं। और जैसे ही डोनी वहां से निकलता है, तो हम देख पाते हैं कि ड्वाइट अपने लोगों से कहकर उसके हाफ कंडक्टर वापस करने के लिए कहता है, जो
करने के लिए मिच डोनी के पास पहुंचता है और साथ ही डोनी से वो बात भी करता है कि कार का बिजनेस कैसा है, जिसके जवाब में डोनी बताता है कि बिजनेस फायदेमंद है। पर वो जल्द ही अपनी वाइफ के साथ यहाँ से मूव होने का डिसीजन बनाने वाला है, जिस वजह से वो एक पोटेंशियल बायर को सर्च कर रहा है ताकि वो उसकी इस जगह को खरीद सके। जो सुनकर मिच इमीडिएटली इंटरेस्टेड हो जाता है और उसे इस बारे में किसी और से डिस्कस करने से मना करता है। यानी कि आने वाले एपिसोड्स में हम देख सकते हैं कि मिच कार बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। लेकिन अब फिर से बड़ी ड्वाइट की तरफ तो हम देख पाते हैं कि वो प्रिजन पहुंच चुका है, वो भी हार्लेन से बात करने के लिए। लेकिन उसने उसे एक ऑफर दिया है कि वो उसके विंड फार्म की जमीन उसे दे दे, जिसके बदले वो उसे $7 मिलियन देगा, जिसके लिए हार्लेन भी अग्री कर जाता है क्योंकि ये उसके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। पर अब ड्वाइट के लिए मुसीबत है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं, जिस वजह से वो बैंक के पास जाता है $7 मिलियन के लोन के लिए, पर बैंक उसे मना कर देती है क्योंकि ड्वाइट के पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं ताकि वो अपनी क्रेडिटेबिलिटी को प्रूव कर सके। वही बात करे चिकी की तो हम देख पाते हैं कि उसे कैंसस सिटी से एक कॉल आया है, यानी कि बिल का कॉल उसे आया है जो उसे कहता है कि वो उसे बिल्कुल भी खुश नहीं, क्योंकि चिकी ने उसे नहीं बताया कि उनके लोग उनकी जमीन पर आकर काम करने वाले हैं। यानी कि वो ड्वाइट की बात कर रहा है। और जैसे कि हमें पता है कि पीट के लोगों के साथ ड्वाइट ने अपना संबंध तोड़ दिया था, पर अभी भी कुछ लोग उन्हें यानी कि ड्वाइट को पीट के मेंबर्स ही समझते हैं, जिस कारण चिकी बिल से कहता है कि वो इस मैटर को चेक करेगा और उसे डेफिनेटली वो कनेक्ट भी करेगा, जिस वजह से वो गुडी से कनेक्ट करता है और उसे एक ऑफर देता है कि वो उसे तुलसा को कंट्रोल करने में उसकी हेल्प करे। और ड्वाइट को उस पोजीशन से हटाकर वो गुडी को उसके सारी चीजें सौंप देगा ताकि वो तुलसा को चला सके। पर हम देख पाते हैं कि गुडी उसे ना नहीं कहता, हालांकि उसने उसे कोई जवाब भी नहीं दिया है, जो क्लियरली शायद यही प्रूफ कर रहा है कि शायद गुडी ड्वाइट के अगेंस्ट हो सकता है। और वही बात करे ड्वाइट की तो हम देख पाते हैं कि टायसन के घर उसने रात काटी है, साथ ही उसके घर पर पड़े हुए न्यूज़पेपर पे ये न्यूज़ देख पाता है कि चाइनीज ऑर्गेनाइजेशन यानी कि क्राइम सिंडिकेट यूएस के ड्रग्स के मार्केट में घुस रहे हैं, यानी कि वो अपना कदम रखने वाले हैं, जो चीज ड्वाइट को पसंद नहीं आती। पर शायद आने वाले एपिसोड्स में ड्वाइट उन चाइनीज माफियाओं से हाथ मिला ले, जो शायद कार्ल को इस बिजनेस से बाहर निकालने में उसकी हेल्प कर सके। यानी कि देखना ये काफी इंटरेस्टिंग है कि ड्वाइट का नेक्स्ट मूव और वो आने वाले चैलेंजेस को कैसे टैकल करेगा। वेल, तो बस इस एपिसोड में इतना है। जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रीकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।